हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिग एंड फिक्सचर इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। ओके, तो मशीनिंग के लिए जिग एंड फिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको मशीनिंग को इजी करना है, किसी भी मशीन को इजी करने के लिए जिग और फिक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब ये जो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, ये है ड्रिल जिग। ओके, और ये जो एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये है फिक्सचर। ओके, तो जो जिग होता है ये बेसिकली लाइट वेट होता है। ओके, तो ये जो वेट में कम होता है, और ये वेट में फिक्सचर जो होता है, फिक्सचर ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब फिक्सचर का जो वेट होता है वह ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है कि हम फिक्सचर कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फिक्सचर यूज़ कर सकते हैं हम मिलिंग मशीन पे, ड्रिलिंग मशीन पे, या फिर किसी मशीनिंग पे हम फिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो जिग होता है, जिग काम करता है जो टूल को होल्ड करता है और वर्कपीस को भी होल्ड करने का काम जो करता है वो जिग करता है। और फिक्सचर केवल एक ही वर्क करता है, जो वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है, जबकि जो जिग होता है इसके अपोजिट टूल को गाइड करने का भी काम करता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन से जैसे हमको पता चलता है कि डेफिनेशन से कि जो जिग होता है, अब सपोज जो जिग है वो इस तरह से एक जिग रहेगा। ओके, तो यह टूल रहेगा तो वो टूल को भी गाइड करेगा, और जो वर्कपीस होता है वो वर्कपीस को भी पिन से या लोकेटिंग पिन से उसको गाइड करने का काम करेगा। ओके, और जो फिक्सचर होता है, फिक्सचर जो होता है वो एक सपोज एक बेड है, और उस बेड पर मैंने नीचे लोकेटिंग पिन लगा दी है, तो वो केवल एक टूल को केवल गाइड करने का काम करेगा, और टूल को केवल फिक्स करने का काम करेगा, उसी को हम फिक्सचर बोलेंगे। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है, अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि जो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो जो जिग होता है वो होल्ड भी करता है वर्कपीस को, और जो टूल होता है उसको गाइड करने का भी काम करता है। और फिक्सचर होता है ये केवल पोजिशन पर वर्कपीस को होल्ड करने का काम करेगा। ओके, और इसमें जो एलिमेंट्स यूज होते हैं जिग में, वो होता है वर्क लोकेटिंग एलिमेंट में टूल को, और गाइडिंग एलिमेंट्स होता है वर्क क्लैंपिंग एलिमेंट का यूज़ होता है। और इसमें वर्क लोकेटिंग एलिमेंट का यूज़ होगा, टूल सिटिंग एलिमेंट का यूज़ होगा, वर्क क्लैंपिंग एलिमेंट का यूज़ होगा। मतलब बेसिकली जो फिक्सचर होता है वो क्लैंप करता है, लोकेट करता है, और इसके अपोजिट जो जिग होता है वो गाइड करने का भी काम करेगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो जिग होता है वो लाइट वेट होता है, और जो फिक्सचर होता है वो वजन में थोड़ा भारी होता है, मतलब हैवी होता है। ओके, अब एप्लीकेशन देखते हैं जिग का। तो जिग के एप्लीकेशन यूज़ होंगे ड्रिलिंग में, रिमिंग में, टैपिंग में, काउंटर बोरिंग में, काउंटर सिंकिंग में। अब ड्रिलिंग में किसी में होल करने के लिए, रिमिंग में किसी होल को फिनिश करने के लिए, किसी होल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए यूज़ होगा। ओके, टैपिंग में उसमें थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए हम जिग का यूज़ करते हैं। काउंटर संक और काउंटर बोर, तो काउंटर संक और काउंटर बोर दो स्क्रू होते हैं, तो जिसके हेड को शेप देने के लिए हम जिग का यूज़ करेंगे। ओके, और फिक्सचर बेसिकली बड़ी बड़ी मशीनों के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं फिक्सचर को, मिलिंग को, मिलिंग के लिए, टर्निंग के लिए, ग्राइंडिंग और ब्रोचिंग जैसे ऑपरेशन के लिए। दोस्तों, मिलिंग जो होता है ऑपरेशन, और टर्निंग जो ऑपरेशन होता है ये मशीनिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग भी मशीनिंग ऑपरेशन है। ब्रोचिंग जो एक आरी से हम किसी चीज़ को जैसे काटते हैं, उसी तरह से ब्रोचिंग में एक बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन में हम किसी मेटल को काटने के लिए ब्रोचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब स्पेशल फीचर का हम यूज़ देख सकते हैं कि ड्रिल करने के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा जिग का यूज़ किया जाता है। ओके, और जो फिक्सचर होता है, फिक्सचर यूज़ करते हैं फिलर गेज को, सेटिंग ब्लॉक को पोजीशन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए फिक्सचर का यूज़ करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जिग एंड फिक्सचर के अब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब एप्लीकेशन देखते हैं जिग एंड फिक्सचर के दोनों बहुत साथ में। ओके, तो यह जो करता है जिग एंड फिक्सचर का, अगर हम किसी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ करने से हमको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। उसका कॉस्ट में रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाती है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ओके, और पार्ट्स की जो एक्यूरेसी रहती है वो बढ़ जाती है।
ओके अब इंटरचेंजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि एक पार्ट जो हमने बनाया है दूसरा पार्ट जो हमने बनाया है वो दोनों आपस में सेम होंगे। ओके अब एक पार्ट जो है हमारे पास और दूसरा जो पार्ट है वो आपस में दोनों सेम होंगे। अब दोनों सेम होंगे तो उससे क्या होगा कि इंटरचेंजेबिलिटी रहेगी कि वैसा पार्ट आपको दूसरा आपको उसी जगह पर मिल जाएगा जहाँ पर आपने पहला पार्ट बनाया था। ओके अब और एप्लीकेशन देखते हैं कि हैवी और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को मशीनिंग करने के लिए हम जिग एंड फिक्चर का यूज़ करते हैं। जो हैवी पार्ट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं जिसका जो वज़न होता है वो टन्स में होता है। ओके तो उसमें मशीनिंग करने के लिए हम जिग एंड फिक्चर का यूज़ करते हैं। ओके इससे क्वालिटी कंट्रोल जो होता है हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एक जैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक जैसी क्वालिटी के जो पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट होते हैं उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके अब स्किल लेबर को हम कम कर सकते हैं। अब किसी पार्ट्स को बनाने के लिए अगर हमको स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो अगर जिग एंड फिक्चर का हम यूज़ करेंगे तो स्किल लेबर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल व्यक्ति भी उस काम को कर सकता है। ओके जिग एंड फिक्चर का यूज़ करके ओके लेबर कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं। लेबर को जितना हमको पैसा देना पड़ता है हमको उतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अगर हम जिग एंड फिक्चर डिज़ाइन करेंगे किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए। ओके अब इससे एक और एप्लीकेशन है कि हम सेफ्टी को और एक्सीडेंटल लॉ को हम इसको इम्प्रूव करते हैं जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जिग एंड फिक्चर का यूज़ करने से। अब एलिमेंट्स जो यूज होते हैं जिग एंड फिक्चर में तो उसको देख लेते हैं। जिग एंड फिक्चर दोनों में कुछ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। हम जब जिग एंड फिक्चर को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स का हमको यूज़ करना पड़ सकता है जिसका जो होता है जो लोकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं। ओके तो इस तरह से एक स्केलेटन या फिर बॉडी का हम यूज़ करते हैं किसी फिक्चर को बनाने के लिए। ओके तो एलिमेंट्स देखते हैं लोकेटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं बेसिकली हम क्लैंपिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं और स्केलेटन या फिर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं लोकेटिंग पिन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जिग एंड फिक्चर के लिए। ओके तो ये है लोकेटिंग पिन। अब ये सपोज एक वर्क पीस है तो वर्क पीस को एक पोजीशन पे होल्ड करने के लिए हम इस लोकेटिंग पिन को एक एमएस की या माइल्ड स्टील की एक पिन होती है जिसको हम लोकेट कर देते हैं बेड पर। ओके तो ये जो है हमारा बेड है इस बेड पर लोकेटिंग पिन लगा दी और इस वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम लोकेटिंग पिन का यूज़ करेंगे। अब किसी पिन के ऊपर अब दो या तीन पिन अगर हम रखते हैं तो उस वर्क पीस को हम एक पोजीशन दे सकते हैं। ओके तो उसकी पोजीशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके अब साइड से अगर हमको उसको कुछ डिस्टेंस देना है तो उस तरह से भी हम लोकेटिंग पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क पीस को साइड से या फिर फ्रंट से और बैक से या फिर बेड की तरफ से उसको हम होल्ड कर सकते हैं। अब एक होता है ब्रिज क्लैंप। ब्रिज क्लैंप का भी हम जिग एंड फिक्चर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जिग ब्रिज क्लैंप क्या होता है कि ऊपर से एक स्प्रिंग लोडेड नट होता है तो स्प्रिंग लोडेड नट को हम उसमें क्लैंप कर देते हैं और हमारा जो वर्क पीस है वो उसके दोनों के बीच में बॉडी जो होती है बॉडी के बीच में और स्प्रिंग लोडेड जो एक स्ट्रिप होती है उसके बीच में हमारा जो वर्क पीस होता है वो क्लैंप हो जाता है और आसानी से उस पर हम मशीनिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं हील क्लैंप। अब हील क्लैंप में दोस्तों कुछ डिस्टेंस होती है। ओके तो इस तरह से डिस्टेंस होती है तो ऊपर से हम एक स्लाइड स्क्रू लगाते हैं जो आसपास स्लाइड हो सकता है। ओके और हम वर्क पीस को अंदर तक आसानी से इसके द्वारा क्लैंप कर सकते हैं और ये हील एक डिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक ऊंचाई प्रोवाइड करता है। ओके आप देखते हैं सपोर्ट एलिमेंट्स। अब सपोर्ट एलिमेंट का भी हम जिग एंड फिक्चर में यूज़ करते हैं। अब सपोर्ट एलिमेंट कुछ इस तरह से होते हैं जिससे हम किसी भी वर्क पीस को कुछ डिस्टेंस पे सपोर्ट दे सकते हैं। अब उसमें लोकेटिंग पिन जैसा ही एक डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसमें एक होता है फिक्स टाइप और एक होता है एडजस्टेबल टाइप। अब इसमें हम हमारे वर्क पीस को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके तो एडजस्ट कर सकते हैं तो हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हमको अगर अपने वर्क पीस को हाइट देनी है तो एडजस्टेबल टाइप में उसमें हम उसमें वेरिएशन कर सकते हैं डिस्टेंस का। ओके और जो फिक्स टाइप में उसका एक ही डिस्टेंस रहेगा तो उससे हमारे वर्क पीस को एक कांस्टेंट डिस्टेंस मिलेगी। ओके अब होता है
डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर द मिलिंग फिक्सचर। अब जो फिक्सचर के जो डिज़ाइन प्रिंसिपल होते हैं ओके, उसमें आप फिगर वन, फिगर टू और फिगर थ्री को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपने एक क्लैंप दिया है यहाँ पर जो सपोर्ट दिया है किसी वर्कपीस के लिए, तो आप इस तरह से आप क्लेम दोगे तो यहाँ से आप मशीनिंग इस डायरेक्शन में कर सकते हो, या तो आप क्लॉकवाइज अगर आप इस तरह से क्लेम देते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो ओके। अब इसमें आप जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक बेड लगाया है और बेड से यहाँ से एक क्लैंपिंग डिवाइस लगाया है जो इसको यहाँ पर और यहाँ पर दो पोजीशन में फिक्स कर रहा है, तो इससे जो कटर रहेगा वो कटर जो रहेगा हमारे वर्कपीस को इस तरह से काटेगा, जो इसकी फीड रेट रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी ओके। और फिगर टू में आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने एक हील क्लैंप का यूज़ किया है और हील क्लैंप का यूज़ करके हम मशीनिंग कर रहे हैं, कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्कपीस को काटने के लिए ओके। तो बेसिकली ये एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए हमने यूज़ किया है। अब मिलिंग फिक्सचर देखते हैं। अब मिलिंग फिक्सचर में सपोज़ एक बड़ी मशीन है और बड़ी मिलिंग मशीन में हम एक बेड के ऊपर एक फिक्सचर लगाते हैं ओके। तो फिक्सचर के लिए हमने एक बॉडी ली है ओके। बॉडी लेने के बाद एक सपोज़ हमने एक क्लैंप लिया है जिसमें हमने एक स्क्रू लगाया है ओके। और वर्क पीस को हमने बेड के और जो क्लैंप है उसके बीच में रखा है और हमने स्क्रू को यहाँ से टाइट करा है। स्क्रू को यहाँ से टाइट करने के कारण यहाँ से हम ऊपर से इसमें मशीनिंग कर सकते हैं ओके। तो ये हो गया मिलिंग फिक्सचर। अब लेथ फिक्सचर। अब लेथ में आप किसी सिलेंड्रिकल जॉब पे लेथ ऑपरेशन कर सकते हो ओके। आप उसको शेप दे सकते हो और जो भी ऑपरेशन आपको लेथ में करना है वो आप कर सकते हो। उसके लिए हमने जो हमारा चक है ना, चक में हमने एक फिक्सचर लगाया है और फिक्सचर में हम इसको बीच में यहाँ पर क्लैंप कर देंगे ओके। तो यहाँ पर इसमें टी बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे ओके, जहाँ से हम इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ से हम इसमें आसानी से कोई ऑपरेशन कर सकते हैं जिससे ये हिलेगा नहीं ओके। अब एक होता है मैग्नेटिक और कटिंग टूल टाइप फिक्सचर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि नीचे बेड पर एक मैग्नेट लगी होती है और मैग्नेट हमारा जो भी मेटल का पीस होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स से क्लैंप कर लेता है और ऊपर से हम यहाँ से कुछ स्ट्रैप क्लैंप या फिर दूसरे एलिमेंट्स का यूज़ करके हम इसको आसानी से एक पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं और इस पे हम कोई भी मिलिंग ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चिकन फिक्सचर के बारे में और मोल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में और मैकेनिकल की कुछ चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।